जय गो माता, जय गोपाल, सभी गो भक्तों को प्रणाम। आज हमारे गो भक्त श्रीमान खेम जी देवासी, जो सदी माता जी के भोपा है और नागोदरी से यहाँ गोधाम चौरा पधारे, साथ में हमारे गो भक्त खेताराम जी देवासी। मेरे पास लगभग घंटे डेढ़ घंटे से दोनों गो भक्त यहाँ है। गो सेवा देखी, सब जगह पूरी गौशाला भ्रमण किया और गो सेवा का आनंद लेते हुए और अपने हाथों से गौ माता के लिए प्रसाद बना रहे हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं गौशाला परिवार की ओर से। गो भक्त खेम जी यहाँ पधारे और माता जी का आशीर्वाद हमेशा गो भक्तों पर बना रहे। दो शब्द गो सेवा के बारे में हमारे गो भक्त खेम जी भोपा जी कहेंगे। जय गो माता। जय माता जी, जय गो माता। हमने एक डेढ़ घंटा हो गए यहाँ पे आए गए, गो माताओं के दर्शन किया और फिर सब सेवा देखी। तो ऐसी मैंने तो फर्स्ट बार ये सेवा देखी है और एक तो नागौर गौशाला में वहां पे देखी और यहाँ पे देखी और गो माता की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। फिर हमने को भी लगा कि अपन भी इस गायों की सेवा करें। जय माता जी, जय गोपा। बहुत बहुत धन्यवाद गो भक्त खेम जी ने जो शब्द कहे, ये हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद है, गो भक्तों के लिए आशीर्वाद है। आपका दिया हुआ दान से अगर कोई गो भक्त देखकर खुश होता है तो हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा दान गो सेवा में सही काम आ रहा है इसलिए। और गो सेवा के बारे में जो शब्द कहे, जो क्योंकि खेम जी हर गौशाला में जाते हैं, जो गौशाला के बारे में शब्द कहे वो आपने सुना भी होगा और यह लापसी कैसी बन रही है, कैसी लग रही है, बहुत कुछ कहना था लेकिन खेम जी नहीं कहे। अभी दो शब्द कहेंगे लापसी के बारे में, जो लापसी कैसी बन रही है और कैसा आनंद आ रहा है, आप सुने। बहुत ही अच्छी बन रही है और इसलिए जैसे अपन भगवान को भोग लगाते हैं भगवान को, उस टाइप से ये इनकी प्रसाद बन रही है। और हमने तो सब कुछ देख करके बाद में फिर बोला कि सेवा बहुत जल्दी अच्छी कर रहे हो और गो माता की ऐसी कैसी सेवा करते रहिए। और सब गो भक्तों को भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जो आपको इच्छा अनुसार जो आप काम का धंधा में जो काम करते हैं उसमें जो थोड़ा सा थोड़ा मिले इतने गो माता के लिए सेवा जरूर करें। और इस यहाँ पे आके गायों माता की सेवा देखो, बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है। जय माता जी, जय गो माता।